हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। अच्छी पहल, मजदूरों के बच्चों को आलीशान स्कूलों में फ्री पढ़ाएगी योगी सरकार। शिक्षा विभाग के चार उड़न दस्ते करेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण। बरेली कॉलेज के 70 शिक्षक जुलाई तक बन जाएंगे प्रोफेसर। जिला विद्यालय निरीक्षक के आश्वासन के बाद शिक्षकों का धरना खत्म। एमडीएम की खराब गुणवत्ता को लेकर शिक्षक धरने पर बैठे। प्रधानाध्यापिका पर लगाया मनमानी करने का आरोप। साथी शिक्षक की पिटाई करने के आरोपित शिक्षक को किया निलंबित। जाने क्या है मामला। प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक के घर लूट, दो महिलाओं समेत 6 को पकड़ा। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ईहब यूट्यूब चैनल पर। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए 17 मार्च से GIC से बटेंगे प्रवेश पत्र। आगरा यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जिले स्तर पर 4 उड़न दस्ते बनाए गए हैं। 24 मार्च को परीक्षा शुरू होने के दिन से 12 अप्रैल को परीक्षा समाप्त होने तक उड़न दस्ते केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। 17 मार्च से विद्यालय के अधिकृत प्रतिनिधि राजकीय इंटर कॉलेज शाहगंज से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि उनके अलावा सह जिला विद्यालय निरीक्षक सुभाष बाबू, राजकीय इंटर कॉलेज शाहगंज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार श्रीवास्तव और बेसिक शिक्षा अधिकारी सतीश कुमार उड़न दस्ता प्रभारी हैं। प्रत्येक दस्ते में 2 पुरुष व 2 महिला उड़न दस्ता सदस्य रखे गए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी को अपने दस्ते के सदस्यों को खुद नामित करना है। बाकी दस्तों के सदस्यों के नाम जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर से जारी किए गए हैं। बोर्ड परीक्षा के प्रवेश पत्र जिले को प्राप्त हो गए हैं। 17 मार्च से इनका वितरण शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद 19 और 20 मार्च को वितरण किया जाएगा। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक विद्यालयों के अधिकृत प्रतिनिधि राजकीय इंटर कॉलेज शाहगंज से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे। यूपी के श्रमिक के बच्चे आलीशान स्कूलों में पढ़ेंगे। यह स्कूल तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। योगी सरकार के लौटने के साथ ही इन स्कूलों का काम तेज गति से होना लगा है। यह स्कूल इसी साल अगस्त सितंबर तक बनकर तैयार हो जाएंगे। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास तो होंगे ही, फर्नीचर भी स्मार्ट ही लगाया जाएगा। प्रदेश के हर मंडल पर एक अटल आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं। इन स्कूलों के शुरू होने के साथ ही यूपी श्रमिक वर्ग के बच्चों की पढ़ाई के लिए एक नया अध्याय लिखेगा। आने वाले दिनों में श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के स्कूल के शानदार होने देखकर निजी कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वालों को भी रश्क हो सकता है। योगी सरकार राज्य में 18 अटल आवासीय विद्यालयों का निर्माण करा रही है। इन पर काम तो पहले ही कार्यकाल में शुरू हो गया था, मगर इनकी शुरुआत योगी 2.0 में होगी। इन स्कूलों की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनका निर्माण 12 से 13 एकड़ जमीन में किया जा रहा है। कार्यदायी संस्था PWD को राज्य सरकार इस वित्तीय वर्ष करीब 270 करोड़ रुपए भी दे चुकी है। स्कूलों के संचालन के लिए हर मंडल में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में समिति होगी। समिति में जिलाधिकारी सहित अन्य सदस्य होंगे। कोरोना काल में अनाथ बच्चों को मिलेगा प्रवेश। राज्य सरकार ने तय किया है कि कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को भी अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। इसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी। चूंकि इन स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई होगी, तो इससे पहले की शिक्षा के लिए उन्हें कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाएगा। बरेली कॉलेज के 70 शिक्षक जुलाई तक बन जाएंगे प्रोफेसर। डिग्री कॉलेज के शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए सरकार ने खोला रास्ता। बरेली कॉलेज के 70 शिक्षक जुलाई तक प्रोफेसर बन जाएंगे। अभी यह शिक्षक एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इनके पदोन्नति आवेदन को कॉलेज की इंटरनल क्वालिटी इंश्योरेंस सेल IQAC दुरुस्त करने में जुटी है। डिग्री कॉलेजों के शिक्षक अभी तक प्रोफेसर नहीं बन पा रहे थे, केवल कॉलेज के प्राचार्य ही प्रोफेसर होते थे। इसके लिए शिक्षकों ने लंबी लड़ाई लड़ी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पैरवी की तो प्रदेश सरकार राजी हो गई और निर्देश दिए कि पदोन्नति पाने के लिए शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बरेली कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर ने आवेदन करने शुरू कर दिए। आवेदनों में मिली कमियों को IQA शो की ओर से सही कराया जा रहा है। शिक्षकों को भी इसके बारे में अवगत कराया जा रहा है। माना जा रहा है कि जुलाई तक इन शिक्षकों की पदोन्नति हो जाएगी। मालूम हो कि जिन शिक्षकों को शिक्षण का 15 साल या इससे अधिक का अनुभव है, उन्हें पदोन्नति का लाभ मिलेगा। लेकिन इसमें एक पेच यह फंस रहा है कि शिक्षकों को वरिष्ठता क्रम कैसे आवंटित किया जाए। यदि एक साथ शिक्षक पदोन्नति पाएंगे तो वरिष्ठता क्रम प्रभावित होगा। उधर दूसरे डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों को भी इस पदोन्नति का लाभ मिलेगा। बड़े स्तर पर शिक्षक लाभान्वित होंगे।
बरेली कॉलेज के शिक्षकों को प्रोफेसर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए शिक्षकों की ओर से आवेदन किए जा रहे हैं। कुछ आवेदनों में खामियां भी हैं, लेकिन जल्द समाधान निकल आएगा। डॉक्टर आलोक खरे, अध्यक्ष बरेली कॉलेज शिक्षक संघ। जिला विद्यालय निदेशक के आश्वासन के बाद शिक्षकों का धरना खत्म। पढ़ें पूरी खबर। इटावा जिला विद्यालय निदेशक के आश्वासन के बाद बुधवार दोपहर माध्यमिक शिक्षक संघ ने धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। संगठन ने 25 सूत्रीय मांग पत्र पर चर्चा की। पीड़ित शिक्षकों को न्याय दिलाने के लिए माध्यमिक शिक्षक संघ ने बुधवार को सुबह दूसरे दिन भी धरना दिया। प्रांतीय संयोजक श्री नारायण दुबे ने बताया कि उनके लंबित एरियर एवं पारिश्रमिक सहित यात्रा भत्ता बिल आदि के भुगतान के संबंध में संगठन को आश्वासन मिला है, इस वजह से आंदोलन समाप्त कर दिया गया है। खड़गपुर सरैया में जूनियर विद्यार्थियों से हो रही अवैध वसूली की भी इसलिए जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रांतीय मंत्री अरुण कुमार दुबे ने बताया कि संगठन के प्रयास से शीघ्र ही बोर्ड परीक्षा से पूर्व स्थायी पहचान पत्र शिक्षक व कर्मचारियों को निर्गत कर दिए जाएंगे। एटा ब्लॉक शीतलपुर क्षेत्र के गाँव ककरावसी स्थित प्राथमिक विद्यालय में भोजन MDM की गुणवत्ता को लेकर बुधवार को शिक्षक धरने पर बैठ गए। प्रधानाध्यापिका पर मनमानी करने का आरोप लगाया। विद्यालय परिसर में ही बुधवार की दोपहर करीब 1 बजे शिक्षिका प्रियंका गुप्ता और उर्दू शिक्षक हरिशंकर धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि बच्चों के लिए बनाए जाने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता बेहद खराब रहती है। इसका विरोध करने पर प्रधानाध्यापिका रश्मि यादव प्रताड़ित करती हैं। इसके अलावा उपस्थित रजिस्टर पर समय से हस्ताक्षर नहीं करने दिए जाते हैं। मामले की शिकायत BEO से की गई थी। 8 मार्च को वह जाँच करने आई थी। वहीं प्रधानाध्यापिका रश्मि यादव का कहना है कि विद्यालय में 7 शिक्षक शिक्षिका हैं। प्रियंका और हरिशंकर कश्यप समय से नहीं आते हैं और MDM को लेकर बेवजह ही परेशान किया जाता है, जबकि MDM का हिसाब जिला समन्वयक अमित चौहान को पूरा दिया जाता है। खंड शिक्षा अधिकारी भारती साहब का कहना है कि शिकायत मिलने पर 8 मार्च को विद्यालय जांच करने गए थे। MDM की गुणवत्ता में कमी मिली थी, इसको लेकर जाँच रिपोर्ट BSA को सौंपी गई है। कार्रवाई BSA के स्तर से की जा रही है। बड़हालगंज ब्लॉक की कंपोजिट विद्यालय सुबेदार नगर का मामला। गोरखपुर बड़हालगंज ब्लॉक की कंपोजिट विद्यालय सुबेदार नगर में एक साथी शिक्षक की पिटाई करने के आरोपी शिक्षक को शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया। वहीं मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए नगर शिक्षा अधिकारी नरेंद्र सिंह व खंड शिक्षा अधिकारी बासगांव को जांच अधिकारी नामित किया है। खंड शिक्षा अधिकारी बड़हालगंज ने मंगलवार को कंपोजिट विद्यालय सुबेदार नगर का निरीक्षण किया था। सहायक अध्यापक देवेंद्र प्रताप यादव गैर हाजिर मिले थे। बुधवार को स्कूल खुलने पर देवेंद्र प्रताप यादव ने खंड शिक्षा अधिकारी के निरीक्षण के लिए विद्यालय के साथ ही सहायक अध्यापक मानवीय सौंदर्य को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें पीट दिया। हमले में मानवीय के चेहरे पर चोट पहुंची, उनकी उंगली फट गई। जानकारी मिलने पर BSA ने खंड शिक्षा अधिकारी से मामले की रिपोर्ट तलब की। रिपोर्ट के आधार पर सहायक अध्यापक देवेंद्र प्रताप यादव को निलंबित कर दिया गया। प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक के घर लूट, 2 महिलाओं समेत 6 को पकड़ा। फतेहपुर कोतवाली पुलिस ने शहर के तांबेश्वर नगर मोहल्ले में प्रधानाध्यापक के घर लूटपाट के मामले 6 लोगों को उठाया है। इसमें 2 महिलाओं समेत 5 लोग घुमंतु डेरे के रहने वाले हैं। डेरे से बाइक, जेवर और नकदी भी बरामद की गई है। तांबेश्वर नगर निवासी प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक चेतक सिंह के घर में रविवार रात बदमाश ने लूटपाट की थी। बदमाश ने लोहे के राड और ईंट से हमला कर चेतक और उनकी पत्नी प्रिया व बेटे सक्षम को घायल कर दिया था। बदमाश नकदी जेवरात लूटकर भाग निकला था। प्रधानाध्यापक की तहरीर पर पुलिस ने 1.5 लाख के जेवरात, 20,000 रुपये लूटने की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस ने संदिग्ध से पूछताछ के आधार पर राधानगर घुमंतु डेरे से 2 महिलाओं और 3 युवकों को उठाया है। डेरे से बाइक जेवरात नकदी भी बरामद की गई है। पुलिस का मानना है कि घुमंतु बदमाशों का गैंग सक्रिय है। इस गैंग ने शहर में कई वारदात को अंजाम दिया है। CO दिनेश चंद मिश्रा ने बताया कि पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है, कई चोरी और लूट खुलासा हो सकता है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।